लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, समय बहुत कम बचा हुआ है। 11 अप्रैल से पहले चरण के मतदान होंगे और सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार के नाम घोषित करना आरंभ कर दिया है। तो वहीं जम्मू की बात करें तो वहां पर पहले 25 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होना था, पर 28 मार्च को डोगरा स्वाभिमान संगठन की उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया है, इसीलिए अब मुकाबला बस 24 उम्मीदवारों के बीच होगा। वैसे अगर बात करें जम्मू के इतिहास की तो इस सीट पर सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। अब तक 15 चुनाव में से 9 चुनाव की जीत कांग्रेस की रही और बीजेपी ने बाद में 3 बार ही जीत हासिल की। वहीं दूसरी तरफ हम मुस्लिम उम्मीदवारों की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत हासिल की है। आपको बता दें कि इस बार इस सीट के लिए बीजेपी ने जुगल किशोर, कांग्रेस ने रमन भल्ला और नेशनल पार्थ पार्टी ने भीम सिंह मुख्य उम्मीदवारों को खड़ा किया है। यदि 2014 के चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो 67.83 मतदान हुआ था। इस सीट पर करीब 12.57 लाख वोटर ने अपना मत अधिकार का प्रयोग किया था। इनमें से 5.88 लाख महिलाएं वोटर हैं और 6.65 लाख पुरुष वोटर थे। इस बार के चुनाव में भी दोनों पार्टियों ने अपने अपने बेहतरीन उम्मीदवारों को खड़ा किया है। बीजेपी पार्टी ने तो जोरों शोरों से प्रचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू की बिहारी सीमा स्थित अखनूर में वीरवार को रैली का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत डोगरी भाषा से की थी और उम्मीदवारों को जुगल किशोर की जीत के लिए प्रार्थना की थी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी जीत की पूरी तैयारियां कर रही है। अब देखना बाकी यह है कि आखिरकार जीत किसकी होगी। SPN 9 न्यूज से आंचल की रिपोर्ट।